डीपीएल में मैंने काफी सारी वीडियो बनाई और इसमें मैंने एग्जांपल भर भर के दिए कि कैसे करके शेयर दोबारा से डाउन जा सकता है। और जैसे कि आप मूव आया था 200 के बाद 300 के आसपास में, लोगों ने मुझे गालियां देनी स्टार्ट कर दी, डिसलाइक मारने स्टार्ट कर दिए वीडियोज में और बताने स्टार्ट कर दिए देख ये शेयर कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो मैं उन लोगों को फिर से एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त अपना एग्जिट कर लीजिए, और जो एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों के लिए भी उपाय मैंने बता रखा है कैसे करके वो एग्जिट कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले उन लोगों को थोड़ा जवाब दे दूँ जिन लोगों को लग रहा है कि ये शेयर फिर से अब मूव हो सकता है, या फिर कौन ऐसे लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं, उन लोगों को समझाना चाहता हूँ। और उन लोगों की बातें आप अगर सुनेंगे तो वो जान के हैरान हो जाएंगे कि वो कह रहे हैं मंडे से 400 का अपर सर्किट लग जाएगा, इसमें मतलब किस हिसाब से लॉजिक लगा रहे हैं मैं समझ में नहीं आ रहा। इतने कम वॉल्यूम्स के साथ में चीज़ें निकल लिए तो आपको सही हो जाना चाहिए, इतने कम वॉल्यूम्स के साथ में अगर शेयर्स निकल रहा है तो यहाँ पे एग्जिट करना जरूरी है। और जो लोग कह रहे हैं कि इसको एग्जिट कैसे करें, उन लोगों को मैं पहले स्टार्टिंग में ही बता दूं कि आपको एग्जिट कैसे करना है। पूरे स्टार्टिंग प्री सेशन में अपना ऑर्डर अगर आप पुट कर देंगे वहाँ पे तो आप एग्जिट हो सकते हैं, अपने चांसेस है। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता तो आपको प्री सेशन में ट्राई करते रहना पड़ेगा, फिर तभी जाके आप एग्जिट कर पाएंगे। आप अपनी जो अपने पोजिशन बना रखी है और उस हिसाब से वॉल्यूम्स नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको उस वॉल्यूम्स पे निकल भी नहीं पाएंगे जिस हिसाब से आपके पास क्वांटिटी है। तो कोशिश कीजिएगा जितनी क्वांटिटी में एग्जिट हो सकते हैं तो उतने ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अब उन लोगों के लिए जवाब, या फिर जो लोग जानना चाहते हैं कि ये यहाँ से फॉल्स हो सकता है दोबारा से, तो उन लोगों को मैं कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ। जैसे मैं DHFL की दिखा देता हूँ, एक सडन फॉल आया था, सडन फॉल के बाद थोड़ा सा पुल बैक लिया यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ से मान के चलिए इसने पुल बैक लिया 200 से 250 के आसपास में। तो इससे तो आपको थोड़ा बहुत कम ही लग रहा होगा। अगर वहीं पे मैं अगर ऐसे जेट एयरवेज की बात कर लूँ तो आप लोगों को पता ही होगा 800 से पूरे पूरा कितना आया था 250 के आसपास में। फिर लोगों ने कहा था कि नहीं ये दोबारा से फिर 500 के आसपास की तो इसने नेट बात है, लेकिन जब कंपनी परफॉर्म ही नहीं कर रही है, उसके ऑपरेशन काम ही नहीं कर रहे, तो वहाँ पे वो एग्जिट होना जरूरी बनता है। तो यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ मैं गया 200 से 300 के, सेम 350 के आसपास जैसे हमारा GAPL में हुआ था, फिर वहाँ से कंसिडर आउट होकर फिर डाउन में आके अभी आप देख रहे हो 100 से नीचे चल रहा है। और ऐसा सेम सिनेरियो मैं आप लोगों को दिखा दूँ यस बैंक के साथ में भी, सडन फॉल फिर थोड़ा ऊपर से हाई करने को सी, फिर वहाँ से सडन फॉल आते आते अभी आपको उसका रेट बताइए कितना जा रहा है। और फिर एक और एग्जाम्पल दिखा दूँ, इससे भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो बकरांची का एग्जाम्पल दे देता हूँ। इसमें मैंने कंपेयर करके भी दिखाया था, एक सडन फॉल आया फिर 150 से ये कितना गया 200 या 220 के पास, फिर इसने लगा कि लोगों को यहाँ से फिर आ जाएगा, फिर वहाँ से वो। तो ऐसी चीज़ सेम इसके साथ हो रही है GAPL के साथ। आप चार्ट में देख रहे होंगे सडन फॉल, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर एक सडन फॉल, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये डाउन आने के वो ले रहा है, फिर से डाउन आने का वो ऊपर नीचे कर रहा है जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ से, फिर एक ऊपर थोड़ा सा आई गया, फिर यहाँ से फिर ये 250 के लेवल को फिर तोड़ेगा तो फिर ये नीचे जाने के चांसेस के ज़्यादा रहेंगे, 100 के नीचे भी आ सकता है ये शेयर और आपको लोगों को नुकसान भी हो सकता है। तो अब अभी भी इतने सारे एग्जांपल देने हैं, मगर आज जो DHFL के एग्जांपल से भी आपको आइडिया लगा हुआ, कोई से एकदम से डाउन नहीं जाता, थोड़ा सा रिट्रेस लेके फिर वो डाउन जाता है, क्योंकि एग्जिट करने में आसानी होती है प्रमोटर्स ऑपरेटर्स जो भी है उन लोगों को। और अब सडन चीज़ आप लोगों को बता दूं, वॉल्यूम्स बहुत कम है तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, देखिए जिस हिसाब से वॉल्यूम्स के हिसाब से गिरे थे और जिस हिसाब से वॉल्यूम से बढ़े हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पे जबरदस्ती शेयर को बढ़ाया गया है और ट्रैप में फंसाया गया है लोगों को दोबारा से, और यहाँ से फिर एग्जिट करने के लिए मैंने यहीं पे 300 के लेवल पे ही आपको कहा था कि यहाँ से एग्जिट करना ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए अब उन महान लोगों के लिए बात कर लेते हैं जो इस शेयर को कह रहे हैं कि अभी भी यहाँ से जा सकता है। ओके लॉर्ड सेकर विल स्टॉप फ्रॉम मंडे, मार्क माई वर्ड मंडे अपर सर्किट विल बिगिन। ओके भविष्यवाणी कर ली इन्होंने पूरी। ओके ये कह रहा है मेंसो विल बे डीप इन नो स्टॉक शेयर। इन लोगों को क्यों नहीं लगता कि मार्केट में इतने ज़्यादा शेयर है, जब किसी शेयर में परेशानी चल रही तो वहाँ से अपना कैपिटल निकाल कर दूसरी जगह इम्पोर्ट करे और टाइम और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करे। और इसी शेयर में अगर दिमाग ला के रख देंगे तो आपको साइकोलॉजी लेवल पे, आपके मेंटली लेवल पे बहुत ज़्यादा परेशान करती है ये चीज़ें। तो लोग एग्जिट नहीं कर पा रहे और लोग यहाँ पे हम एवरी डिप पे बाय करने की बात करें तो इनके तो हेड्स ऑफ है, मेरे समझ में नहीं आते क्या। ओके ये देखिए फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड यू कैन सी द कंटिन्यू अपर सर्किट टिल 400, प्रॉफिट बुकिंग इन ऑलमोस्ट डन। ओके प्रॉफिट बुकिंग वेरी गुड।
वेरी लेस क्वांटिटी फॉर सेलिंग बट नो बिगर वायर्स करेंटली वन बिगर वायर्स काउंटर कैन टेक दिस स्टॉक टू हायर लेवल. ओके फक यू. सीरियसली मतलब क्या एक्सक्यूज बताते हैं जब आपको साफ क्लियरली चार्ट पैटर्न पे दिख रहा है कमजोर है तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए उससे. तो कंटिन्यू अपनी पोजीशन बना के नहीं रखनी चाहिए, फिर भी क्या दिमाग लगाते हैं, मेरे समझ में वो चीज़ नहीं आती. और आप लोगों को चीज़ दिखा दूँ जिसमें मैंने लास्ट मेंशन भी किया था कि आपको किस हिसाब से ट्रेडिंग करनी चाहिए जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा. निफ्टी पे आपको लेके आना चाहता हूँ. निफ्टी पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे साफ साफ बताया था, मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं. मैंने जैसे कहा था ये जो रेड जो आया है यहीं पे, मैंने इसी दिन में एक वीडियो बनाई थी और आप लोगों को दिखाया था कि जैसे ये रेड है बड़ी कैंडल और ये ऐसी रेड कैंडल इसमें अभी तक नहीं आई है, तो उसी दिन देखिए सडन फॉल आया था और फिर आज से यहाँ थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर की तरफ में बाउंस बैक लिया है. तो यहाँ पे जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो हम 14,000 के लेवल दोबारा देख सकते हैं हम निफ्टी में, और बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा अगर यहाँ पे जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है 12,800 के लेवल पे. अगर जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है इसके ऊपर में तो उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा. और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए ट्रायंगल और ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आऊँ जिसमें आप कम रिस्क में रिटर्न अच्छा पा सकें, मतलब एटलीस्ट अपनी कैपिटल जरूर सेव कर सके. तो ऐसी स्ट्रेटल अपॉर्चुनिटी वीडियोस लेने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करके जरूर जाइएगा. और आपके कोई क्वेरीज है तो कमेंट में छोड़ के जरूर जाएगा. गुस्सा भी रहता है कोई भी चीज़ का तो वहाँ पे कमेंट करके मैंशन कीजिएगा जिससे मैं सुधार कर सकूँ और उस चीज़ के बारे में सोचूँ या फिर उसके बारे में वीडियो बनाऊँ आप लोगों के बेहतर और सुविधा के लिए. फिर भी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में.